गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड मायरा। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि मायरा ने क्रिसमस सेलिब्रेशन कैसे किया, उसने तैयारियां कैसे की, उसने क्रिसमस ट्री कैसे डेकोरेट किया और उसका पूरा दिन कैसे निकला। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा रहा क्रिसमस सेलिब्रेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Christmas tree. Santa's all a Christmas tree. Na 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 na. That's all a colored dresses. Can I do it? Yes, but I can't open. I can open. It's hard to open. Man. Don't stop that. That blue dresses. Mm-hmm. I do want to get faster. और यहाँ मायरा बिजी है अपने डैड के साथ क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में। आजकल मायरा का सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है अपने क्रिसमस ट्री को देखना। वो उसके पास ही बैठ के अपना ब्रेकफास्ट लेती है, लंच लेती है, डांस करती है। सारे काम उसके आजकल क्रिसमस ट्री के पास हो रहे हैं। I love you. I love you too. Merry Christmas. Merry Christmas. Where is Santa? Where is Santa? You tell me where is Santa. Oh, you want now it? We look at God candy. Who gave it? Santa's bell. थैंक यू सांता क्लॉज। मायरा को सरप्राइज करने के लिए हम हमेशा क्रिसमस ट्री पे कोई ना कोई गिफ्ट या फिर कैंडी उसके लिए डाल के रखते हैं और उसके पूछने पे हम उसे बताते हैं कि ये सांता क्लॉज ने रखा है और वो बहुत खुश होती है। आज 24 दिसंबर के रात के 8:30 बजे मायरा के सीक्रेट सेंटा यानी कि उसके डैड उसकी गिफ्ट की पैकिंग में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मायरा के सारे गिफ्ट पैक हो जाए और वो क्रिसमस ट्री के पास रात के 12 बजे रख दिए जाए। ये अलग बात है कि मायरा उस समय सो चुकी होगी, बट वो चाहते हैं कि जब वो सुबह उठे तो उसे बहुत सारे गिफ्ट देख के वो खुश हो जाए और वो उसका हैप्पी फेस देख पाए। मैरी क्रिसमस एवरीवन। और अभी बज रहे हैं 12:00 और हमने सारे गिफ्ट्स यहाँ क्रिसमस ट्री के पास रख दिए हैं। हमें बस इंतज़ार है कि कब सुबह कल मायरा उठेगी और अपने ढेर सारे गिफ्ट देख के बहुत बहुत खुश हो जाएगी। और हमारी प्रिंसेस उठ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। कहीं ना कहीं मायरा को भी पता है कि क्रिसमस ट्री के पास उसके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज तो ज़रूर है और वो भी काफ़ी खुश दिख रही है सुबह सुबह। और
ये चली क्रिसमस ट्री के पास मायरा। और अभी मायरा बिजी हो गई है अपने भाई के साथ गिफ्ट्स को खोलने में, उन्हें देखने में और उनके साथ खेलने में। साथ में वो बहुत खुश है क्योंकि उसका भाई उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेकर आया है, तो वो अभी बहुत बिजी दिख रही है। मुझे लगता है कि अभी हमें केक कटिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं वो कब तक फ्री होती है। और अब टाइम है मायरा का अपने फेवरेट चॉकलेट केक को कट करने का। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। वंस अगेन। मैरी क्रिसमस। और केक के मामले में कोई दोस्ती नहीं। जब मायरा का मन पूरी तरह से केक से भर जाएगा तब शायद वो किसी और को देना पसंद करेगी। और अब मायरा रेडी है नीचे जाने के लिए। धूप अच्छी निकल के आई है तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे थोड़ी देर प्लेग्राउंड में रखा जाए ताकि उसे कुछ देर विटामिन डी मिल सके। तो मायरा अपनी गिफ्ट के साथ नीचे जा रही है प्लेग्राउंड में और वो वहाँ थोड़ी मस्ती करेंगी। आप सबका क्रिसमस कैसा रहा ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैरी क्रिसमस एवरीवन।